हेलो एवरीबॉडी, मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th के ज्योग्राफी से चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का थर्ड टॉपिक। ठीक है, आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे वाइल्ड लाइफ वेराइटी एंड कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। हम लोगों ने अब तक जो क्लास की है, ठीक है, तो हम लोगों ने नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ के मीनिंग को समझा, इनके फैक्टर्स को समझा। उसके बाद हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में इंडिया की जो वेजिटेशनल वेराइटी है, इंडिया में कौन कौन से टाइप्स के वेजिटेशन है, उनमें कौन कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं, कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कहाँ कहाँ है, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। आज हम लोग देखेंगे वाइल्ड लाइफ वेराइटी। हम लोगों ने अपने फर्स्ट क्लास में इंडिया के फ्लोरल डाइवर्सिटी की बात की थी। हम लोगों ने देखा था वहाँ पे कि इंडिया इज वन ऑफ 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन। हम लोगों ने डिस्कस किया था वहाँ पे कि हमारा जो इंडिया है वो दुनिया के 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन में से एक है। ठीक है ना, हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे इंडिया में टोटल 47,000 प्लांट स्पीसीज है। ठीक है ना, टोटल 47,000 प्लांट स्पीसीज है, जो पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो 10% है। और इंडिया रैंक्स एट 10th प्लेस इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स वेराइटी। और एशिया में इंडिया कहाँ पे आता है, 4th प्लेस पे। इंडिया में हम लोगों ने फ्लावरिंग प्लांट्स की बात की तो इंडिया में टोटल फ्लावरिंग प्लांट्स 15,000 है, जो टोटल वर्ल्ड के 6% है। ठीक है ना, तो हम लोग ये तो देख रहे हैं कि इंडिया में डाइवर्सिटी है, वेजिटेशनल डाइवर्सिटी है, फ्लोरल डाइवर्सिटी है। आज हम लोग बात करेंगे इंडिया के फौनल डाइवर्सिटी की। इंडिया में डिफरेंट काइंड के वाइल्ड लाइफ है, हम लोग इंडिया के फौनल डाइवर्सिटी की बात करते हैं। इंडिया इज ऑल्सो वेरी रिच इन इट्स फौनल वेराइटीज। तो जिस तरीके से हमारे इंडिया में वेजिटेशनल वेराइटी है, वैसे ही हमारे इंडिया में वाइल्ड लाइफ की भी बहुत ज़्यादा वेराइटी है। ठीक है, देखिए हमारा इंडिया ना फ्लोरल डाइवर्सिटी और फौनल डाइवर्सिटी दोनों में काफ़ी रिच है। अगर हम लोग एनिमल के स्पीसीज की बात करते हैं तो इन इंडिया देयर आर 90,000 एनिमल स्पीसीज। हमारे इंडिया में टोटल 90,000 स्पीसीज हैं एनिमल्स के। ठीक है ना, हम बर्ड्स के स्पीसीज की बात करते हैं तो अपने इंडिया में 2,000 बर्ड स्पीसीज है। तो पूरे वर्ल्ड के जो टोटल बर्ड्स हैं उसका 13% होता है। वहीं हम लोग ना फिश के स्पीसीज की बात करते हैं तो इन आवर इंडिया देयर आर 2,546 स्पीसीज ऑफ फिश। इंडिया में टोटल 2,546 स्पीसीज हैं फिश के, जो कि टोटल फिश जो वर्ल्ड में है उसका 12% काउंट होता है। ठीक है, वही हम लोग बात करते हैं एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स की, तो पूरे वर्ल्ड के जो टोटल एम्फीबियन और रेप्टाइल है उसका 5-8% हमारे इंडिया में है। ठीक है, और ये जो एनिमल्स के स्पीसीज है, एनिमल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में, एनिमल के जो टाइप हैं, जो स्पीसीज का वेरिएशन है, वो जगह के हिसाब से चेंज होते हैं। देखिए, हमें ये तो पता है कि हमारे इंडिया में एनिमल्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। हम लोग अपने इंडिया में देखेंगे कि कौन कौन से रीजन में किस किस तरह के एनिमल्स या कौन कौन एनिमल इंडिया के किस किस रीजन में रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एलिफेंट्स की। देखिए, एलिफेंट हमें पता है कि लैंड का सबसे बिगेस्ट, सबसे बड़ा एनिमल है। ठीक है, एलिफेंट हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो एलिफेंट हमारे इंडिया में असम, वेस्ट बंगाल, केरला और कर्नाटका में पाए जाते हैं। ठीक है ना, सो एलिफेंट्स आर फाउंड इन असम, बंगाल, केरला एंड कर्नाटक। वहीं हम लोग अगर वन हॉर्न राइनोसेरोस की बात करते हैं, इंडिया में असम में वन हॉर्न राइनोसेरोस पाए जाते हैं। हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि इंडिया में ही सिर्फ वन हॉर्न राइनोसेरोस पाए जाते हैं। वन हॉर्न राइनोसेरोस के बाद हम लोग बात करते हैं जो गुजरात के, जो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में रन ऑफ कच्छ का जो रीजन है, ठीक है, जहाँ पे जर्ट्स जो है वो सी में मर्ज होते हैं, तो वहाँ पे हमें वाइल्ड एस और कैमल्स मिलते हैं। ठीक है, सो वाइल्ड एस एंड कैमल्स आर फाउंड इन रन ऑफ कच्छ इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। वहीं हमारा जो इंडिया है वो दुनिया का इकलौता ऐसा कंट्री है जहाँ पे लायन और टाइगर दोनों पाए जाते हैं। सो इंडिया इज द ओनली कंट्री दैट हैव लायन एज वेल एज टाइगर। इंडिया का जो वेस्ट साइड में गिर फॉरेस्ट है, गिर फॉरेस्ट में एशियाटिक लायन मिलते हैं, जबकि सुंदरबन में हम लोग क्या देखते हैं, सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है।
ठीक है, ईस्ट साइड में रॉयल बंगाल टाइगर और वेस्ट गिर फॉरेस्ट एशियाटिक लाइन, ठीक है, अपना सुंदरबन और गिर फॉरेस्ट दोनों मैप में देख सकते हैं। ठीक है, वही हम लोग ना बात करते हैं लियोपॉड की बात करते हैं, तो लियोपॉड भी ना कैट फैमिली का एक कारी जानवर है। ठीक है, हम लोग ना फिर हिमालय में बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी देखते हैं, बहुत ऊंचाई पर एक्सट्रीमली कोल्ड होती है, जहाँ लद्दाख में हम लोग क्या देखेंगे एक्सट्रीमली कोल्ड है, तो वहाँ पे यॉक, सैगी हॉर्न्ड वाइल्ड ऑक्स, तिब्बतन एंटेलप, भूरेल या नीला सीप, ठीक है, ब्लू सीप और कियांग, जिसको हम लोग तिब्बतन वाइल्ड हैस, तिब्बती जंगली गधा कहते हैं। तो लद्दाख साइड में यॉक मिलेगा, सैगी हॉर्न्ड वाइल्ड ऑक्स, तिब्बतन एंटेलप, भरल और कियांग, ये मिलते हैं। वहीं इंडिया के जो रिवर्स हैं, लेक हैं या कोस्टल एरियाज हैं, वहाँ पे टर्टल, क्रोकोडाइल्स और घड़ियाल्स भी मिलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि हमारे इंडिया में ना बर्ड्स की भी बहुत ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती है। हम लोगों ने जस्ट अभी पीछे डिस्कस किया है कि देर आर ऑलमोस्ट 2000 बर्ड्स स्पीसीज इन इंडिया। तो यहाँ जो बर्ड्स पाए जाते हैं उसमें मेनली हम लोग क्या देखते हैं, इंडिया में मेनली हम लोग देखते हैं पीकॉक्स हो गए, पीहेंस हो गए, डक्स, पैराकीट्स, क्रेन्स, पीजन, दीज आर सम बर्ड्स इनहेबिटिंग इन इंडिया। इंडिया में ना बर्ड्स के साथ साथ इंडियन बिजन, नीलगाय, चौसिंगा, ये सब भी अलग अलग जगह पे मिलते हैं। वहीं हम लोग माइग्रेटरी बर्ड्स की बात करते हैं, माइग्रेटरी बर्ड कहने का मतलब क्या है कि वो हमारे इंडिया के इंडिजीनियस बर्ड्स नहीं है, दे कम फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस इन इंडिया फॉर स्पेसिफिक रीजन फॉर स्पेसिफिक सीजन। ठीक है, सो दूसरी जगह से जो बर्ड्स किसी एक सीजन में इंडिया में आते हैं उनको हम लोग माइग्रेटरी बर्ड्स कहेंगे। ठीक है, जैसे साइबेरियन क्रेन है, वो विंटर के टाइम में रन ऑफ कच्छ वाले एरिया में आते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे गर्मी होती है तो रन ऑफ कच्छ वाले एरिया में आते हैं, वहाँ पे डेजर्ट सी में सबमर्ज होता है। ठीक है, सो माइग्रेटरी बर्ड्स में भारत में कुछ वेटलैंड्स है जहाँ दूसरे देशों से बर्ड्स आते हैं, विंटर में साइबेरियन क्रेन रन ऑफ कच्छ में आते हैं। ओके, देखिए, चाहे वो वेजिटेशन हो चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, दिस बोथ आर नेचुरल रिसोर्सेज, और इनके एक्सेसिव यूटिलाइजेशन के कारण इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है। ठीक है, आदमी ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने ग्रीड को पूरा करने के लिए एक्सेसिवली यूटिलाइज किया है, इस रिसोर्स का एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन किया है, जिसके कारण से ना इकोसिस्टम में अनबैलेंस क्रिएट हुआ है। ओके, तो आज की डेट में ज़रूरत है कि इनको कंजर्व किया जाए, इनके प्रेजेंस को सिक्योर किया जाए, इनके प्रेजेंस को बढ़ाया जाए। देखिए, इन्वायरमेंट में डाइवर्सिटी है, ये हम लोग समझते हैं, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, सभी आपस में इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है। देखिए, नेचुरल वेजिटेशन हो या वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हो, इनके एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन के कारण एक इकोसिस्टम में ना डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है। ठीक है ना, सो देयर इज डाइवर्सिटी इन इन्वायरमेंट एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ इट। हमें पता है कि इन्वायरमेंट में चाहे जो भी प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे लाइफ को सपोर्ट करते हैं, उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे लाइफ में भी, इकोसिस्टम में भी। ठीक है ना, एवरी स्पीसीज हैज इट्स इम्पॉर्टेंस, एवरी प्लांट और एनिमल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस ओवर अदर स्पीसीज और ओवर इकोसिस्टम। चाहे हम लोग बात करते हैं चाहे वो एडिबल क्रॉप्स हो या मेडिसिनल क्रॉप्स हो, हमारे लिए हर तरीके से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हम जो भी खाते हैं सर्वाइवल के लिए, या बहुत सारे ना मेडिसिनल ट्रीज हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। पेज नंबर 48 पे ना हम कुछ ट्रीज देखते हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सर्पगंधा की। सर्पगंधा हमें पता है कि ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने में मदद करते हैं। वहीं जामुन की बात करते हैं तो जामुन के जो पके फल के जूस होते हैं, ठीक है, वो विनेगर प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ जो कैर्मिनेटिव और ड्यूरेटिक गैस्ट्रिक वाली प्रॉब्लम है, ठीक है, कैर्मिनेटिव प्रॉब्लम है, उसके ट्रीटमेंट में हेल्पफुल है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को काफ़ी हेल्प करता है। अर्जुन की बात करते हैं तो अर्जुन के पत्तों का जो जूस होता है वो कान के दर्द में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, कान के दर्द के इलाज में काफ़ी सहायक होता है, ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करने में मदद करता है अर्जुन ट्री। बबूल के ट्री की बात करते हैं तो बबूल के ट्री का जो पत्ता होता है वो आई सोर के इलाज में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ बबूल का जो गम होता है उसको टॉनिक की तरह यूज किया जाता है।
ठीक है. सो बबूल इज यूज एज टॉनिक, बबूल गम इज यूज एज टॉनिक, इट्स लीव्स आर यूज एज अ क्योर फॉर आई सोर्स. तुलसी प्लांट की बात करते हैं तो हमें पता है ना, हम लोग घरों में भी जब सर्दी खांसी होती है तो तुलसी का काढ़ा बना के पीते हैं. सो तुलसी प्लांट्स आर यूजफुल इन कोल्ड एंड कफ. वहीं हम लोग कचनार की बात करते हैं तो कचनार से ना अस्थमा और अल्सर के इलाज में काफ़ी मदद मिलती है. द बड्स एंड रूट्स आर गुड फॉर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम. कचनार के बड्स और रूट्स डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को दूर करने में काफ़ी सहायक होते हैं. तो हम ये तो देख रहे हैं कि चाहे वो एडिबल प्लांट्स हो या मेडिसिनल प्लांट्स हो, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. वहीं मिल्च एनिमल्स की बात करते हैं. मिल्च एनिमल्स मीन्स वैसे एनिमल, हमारे लाइव स्टॉक डोमेस्टिकेटेड एनिमल जिनसे हमें दूध मिलता है. सो मिल्च एनिमल्स मिल्क के साथ साथ और क्या प्रोवाइड करते हैं, मीट प्रोवाइड करते हैं, एग्स देते हैं, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, एग्रीकल्चर में भी इनका काफ़ी यूज है. उसके बाद बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो पॉलिनेशन में काफ़ी यूजफुल होते हैं, पॉलिनेशन में मदद करते हैं. ठीक है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि इन सब के एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन के कारण इकोसिस्टम में डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है. इकोसिस्टम में जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है उसके बहुत सारे रीज़न आप देखते हैं, चाहे वो फिर हंटिंग हो या पोचिंग हो, अपने फायदे के लिए जानवरों को मारना, जानवरों का शिकार करना, उनको बेचना हो, या इंडस्ट्रीज़ के जो केमिकल होते, इंडस्ट्री के जो वेस्टेज होते हैं रिवर में, हम लोग उसको रिलीज कर देते हैं, रिवर में डाल देते हैं, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन बढ़ता है. तो चाहे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो या केमिकल वेस्ट हो, उसके कारण पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे जो बर्ड्स स्पीसीज हैं या जो एनिमल्स स्पीसीज हैं उनको प्रॉब्लम हुई है. सो हंटिंग एंड पोचिंग, पॉल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल एंड केमिकल वेस्ट, एंड रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सेटलमेंट. आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो उनके सेटलमेंट के लिए ट्रीज भी बहुत ज़्यादा काटे गए. तो दीज आर सम फैक्टर्स दैट क्रिएटेड डिस्टर्बेंस, दैट क्रिएटेड एन अनबैलेंस इन इकोसिस्टम. आज सिचुएशन ये है कि लगभग 1000 स्पीसीज जो है वो एंडेंजर्ड है, जबकि 20 स्पीसीज ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. तो हम ये समझ रहे हैं कि ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है और इस सिचुएशन को कंट्रोल करना पड़ेगा. इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमें वाइल्ड लाइफ हो या वेजिटेशन हो, इनको कंजर्व करने की ज़रूरत है. ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट के लेवल से हो या इंडिविजुअल लेवल से हो, सोसाइटी के लेवल से हो. ठीक है, इट इज़ द डिमांड ऑफ द टाइम टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ एज वेल एज नेचुरल वेजिटेशन टू मेंटेन टू सस्टेन द इकोसिस्टम. तो देखिए, हम लोग ना ये देखते हुए चलते हैं अब कि गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो नेचुरल वेजिटेशन हो चाहे ये वाइल्ड लाइफ हो, इनको कंजर्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए गए. सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि गवर्नमेंट ने इंडिया में टोटल 14 बायोरिजर्व सेटअप किए हैं. हम लोग टेक्स्ट बुक से देख रहे हैं तो यहाँ एडिशन पुराना है. फिलहाल इंडिया में 18 बायोरिजर्व है. ठीक है, अभी हमारे टेक्स्ट बुक में हम लोग सिर्फ 14 देख रहे हैं और इंडिया में 18 बायोरिजर्व हैं. ओके, अपना सारे बायोरिजर्व इंडिया में जो है वो मैप पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं. ठीक है, फिलहाल टेक्स्ट बुक के हिसाब से हम क्या देखते हैं कि इंडिया में 14 बायोरिजर्व हैं, जिसमें से 4 बायोरिजर्व जो है वो यूनेस्को के वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं. और ये 4 बायोरिजर्व कौन कौन से हैं, एक है सुंदरबन का सुंदरबन जो पश्चिम बंगाल में है, नंदा देवी जो उत्तराखंड में. देखिए एक एक चीज़ ना हम लोग मैप पे देखते हुए चलेंगे. ठीक है, सुंदरबन कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है. नंदा देवी कहाँ पे है, उत्तराखंड में है. ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है. नीलगिरी, देखिए नीलगिरी ना आप क्या देखते हैं कि जो केरला कर्नाटका और तमिलनाडु का जो मर्जिंग पॉइंट है. ठीक है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं. तो ये 4 जो है बायो रिजर्व ये यूनेस्को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं. फिलहाल हमारे इंडिया में टोटल 18 बायो रिजर्व हैं, जिसमें से 11 बायो रिजर्व शामिल हैं वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व में. उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ना बहुत सारे बॉटेनिकल गार्डन्स को फिनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट दिए गए हैं. ये मेनी इको डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैव बीन स्टार्टेड सच एज प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनोज, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. ठीक है, वही उसके बाद इंडिया में टोटल 89 नेशनल पार्क्स बनाए गए, 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जूलॉजिकल गार्डन बनाए गए हैं. ठीक है, 89 नेशनल पार्क्स बनाए गए. अब ये नेशनल पार्क्स टोटल इंडिया में कितने हैं, 103 है. तो ये सारे स्टेप्स गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए हैं हमारे इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए. और
गवर्नमेंट के अलावे आज की डेट में ज़रूरत है कि हम लोग अपने इंडिविजुअल लेवल से भी कंट्रीब्यूट करें और जो नेचुरल वेजिटेशन है या वाइल्ड लाइफ है उसको कंजर्व करें, ताकि हम लोग एक बेहतर इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके, एक बेहतर इन्वायरमेंट का हिस्सा बन सके। तो आज के क्लास में हम लोगों ने इंडिया के वाइल्ड लाइफ उसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखा और कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ से नेचुरल वेजिटेशन के पॉइंट्स देखे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास को आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।